परलिवेश, आप सब ठीक होंगे स्टूडेंट्स। आज का ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग। आज के इस लेक्चर में आपसे मैं बात करूंगा अबाउट ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में जिस एग्जांपल्स को फॉलो किया जाएगा उनमें नाइट्रोजन गैस है। सो लेट मी टाइप एग्जांपल, नाइट्रोजन गैस, इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। इसके अलावा एक मॉलिक्यूल है, माय वेरी इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल, और इसको आप ई ए सी टाइलीन भी कह सकते हैं, ठीक है। सो नाइट्रोजन गैस को देखते हैं। नाइट्रोजन जो है दैट इज द विच एलिमेंट, सेवंथ एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, हैविंग 14 एटॉमिक मास। और इसकी कंफिग्रेशन में देखें तो 1s2, 2s2, 2p3, राइट। और इसको फॉलो करना है सातवें नंबर में, फॉलो करना है दसवें नंबर को, यानी कि नियॉन को फॉलो करना है, यानी तीन इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए। तो नाइट्रोजन के ऑर्बिटल में जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दूसरा नाइट्रोजन जो है उसके भी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, और ये दोनों करीब आ जाएंगे, राइट, और इनकी हो जाएगा आपस में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ये आप देख सकते हैं इनका ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड आपस में बन गया है। अब मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूं, डायग्राम दैट इज लिब्स डायग्राम फॉर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, इसमें आपको नजर आ रहा है दो एटम्स हैं, ठीक है जी, दिस फर्स्ट वन एंड दिस सेकंड वन। और इसमें आपको नजर आ रहा है इस नाइट्रोजन के पास तीन इलेक्ट्रॉन थे जो उसने इस एटम की बाउंड्री में ले आया है, और इस एटम के पास भी जो है, मतलब इस एटम के पास टोटल 5 थे और इसके पास भी टोटल 5 होंगे। मैं इसको ब्लू से शो कर देता हूँ, ठीक है। और ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है ये तीन इसके अपने थे जो शेयर हो चुके हैं, और तीन इसने शेयर किए, टोटल 6 हो गए, 6 और 2 8 हो गए। ये दो न्यूक्लियस के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको आप बॉन्ड पेयर कहते हैं, ठीक है, यू कॉल इट ए बॉन्ड पेयर। कितने बॉन्ड पेयर हैं? 3 बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है। और लोन पेयर जो दो न्यूक्लियस के दरमियान इलेक्ट्रॉन थे उनको बॉन्ड पेयर कहेंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ऊपर कोई न्यूक्लियस नजर नहीं आ रहा आपको, लिहाजा ये दो न्यूक्लियस के दरमियान इलेक्ट्रॉन नहीं है, राइट। दीज आर कॉल्ड एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने बहुत सारे इस वीडियो में कॉन्सेप्ट आउट कर दिया है बॉन्ड पेयर का, लोन पेयर का, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, तो लिहाजा आपको सब कुछ स्टूडेंट्स को ही समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। सो व्हाट वी आर टॉकिंग नेक्स्ट इज कि ये हमारे पास जो मॉलिक्यूल है ये बन गया है नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल, और इसको आप नेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं, आप इसको N2 की शक्ल में लिख सकते हैं, राइट। सो दैट मेक्स अ सेंस ऑफ नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल। और इसने भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, देखें 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं तो 6 हो गए हैं, ठीक है, तो पहले 3 थे और 6 हो गए हैं। तो ये देखेंगे ये कॉन्फ़िगरेशन और ये कॉन्फ़िगरेशन टोटली सेम है, इसका मतलब है कि नियॉन को फॉलो कर लिया गया है, लिहाजा यहाँ पर नाइट्रोजन गैस एग्जिस्ट कर रही है। तो लेट्स टॉक बिट मोर, राइट। अब हम बात करेंगे आपसे अबाउट द एसीटाइलीन फॉर्मेशन, राइट। एसीटाइलीन या इथाइन फॉर्मेशन, यानी कार्बन की बात की जाएगी विच इज द 6th एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और हाइड्रोजन विच इज द 1st एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब दो हमारे पास कार्बन है, 1, 2, 3, इसके आउटर शेल में मैंने, अब डबल कोवलेंट बॉन्ड वाली वीडियो देखें फिर इस वीडियो पे आए तो आपको जरा ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो ये हमारे पास अब यहाँ पर मौजूद है 4 इलेक्ट्रॉन टोटल, ठीक है, इस तरह ही आपने ड्रॉ करना है, इस तरह मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। और यहाँ पर एक दूसरा एटम है, राइट, और उसके पास भी मौजूद है टोटल 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कार्बन के आउटर शेल में पहले शेल में 2 होते हैं और दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये उसका न्यूक्लियस है। तो अब आउटर शेल में आपको नजर आ रहे हैं टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, इसके भी आउटर शेल में नजर आ रहे हैं आपको टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, ये दो न्यूक्लियस के दरमियान, ये कार्बन का न्यूक्लियस, ये कार्बन का न्यूक्लियस, इन दोनों के दरमियान आपको नजर आ रही है। ये देखें, ये भी एटम बना दिया मैंने, ये भी एटम बना दिया, और इसको मैं क्रीम कर लेता हूँ, ठीक है, इसमें एंटर कर देता हूँ। तो ये कार्बन का एटम है, ये भी कार्बन का एटम है, और इसके पास है टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, 3 शेयर हो गए और 1 ये रहा, और यहाँ पर हमारे पास इसने भी 3 शेयर कर लिए और 1 ये रहा। तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन ले आते हैं शेयर करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन क्यों लेकर आते हैं, क्योंकि देखिए अगर मैं ये ना लेकर आता तो यहाँ पर देखें ये 6 यानी 3 इसके हैं
और एक ये चार हो गए, यानी तीन शेयर हो गए, तीन और तीन छह हो गए, छह और एक सात। तो लहरा हाइड्रोजन आठवें के लिए चाहिए मुझे, ठीक है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन चाहिए हमें आठवें के लिए। सो दैट मेक्स अ सेंस ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल को यहाँ पर आप हाइड्रोजन शो कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे भी आप हाइड्रोजन शो कर। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो स्ट्रक्चर विल बी समथिंग लाइक दिस। ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये दो कार्बन हो गए, और ये हाइड्रोजन हो गया, और ये हाइड्रोजन, और ये भी हाइड्रोजन हो गया, विच इज दिस हाइड्रोजन। अब इस कार्बन के दरमियान आपने ट्रिपल तीन लाइनें लगानी है, राइट। तो तीन लाइनें क्या शो करेंगी? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को। ये तीन लाइनें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को शो करेंगी, और इसके अलावा ये वाली जो लाइन है दैट विल शो द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और टोटल इसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो पांच है, देयर आर फाइव कोवेलेंट बॉन्ड्स, फाइव बॉन्ड पेयर्स, ठीक है, पांच बॉन्ड पेयर्स हैं। इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, सो लोन पेयर आप कह सकते हो कि वो जीरो है, ठीक है। सो व्हाट वी आर टॉकिंग है कि इसमें टोटल जो है पांच कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है और दो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। तो दैट मेक्स एन एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर कोई सजेशन, कोई थिंग जो आपको समझ में नहीं आ रही, आप कमेंट करें, इंशाल्लाह मेरी अपकमिंग वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बता दूंगा। और इस तरीके स्टूडेंट्स, ये कार्बन जो है अपने ऑक्टेट्स को फॉलो करता है, और इथीन मॉलिक्यूल, सॉरी इथाइन मॉलिक्यूल जो है ये एग्जिस्ट करता है। सो अभी तक के लिए इतना ही। अपना आपने बहुत ख्याल रखना है, और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं विच इज द नेक्स्ट टॉपिक, ये वीडियो मौजूद है, आप देखें और इसमें क्या होगा कि आपको मुझे इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह मुझसे मिलती रहेगी। और इसके अलावा नोट्स वगैरह ये डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक्स मौजूद है, नोट्स भी मौजूद है, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ओवर देयर। सो थैंक यू सो मच। अपने आप में बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।